हेलो दोस्तों, यार कैसे हो आप लोग। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर लड़की वो सब आपके लिए करती है या फिर आपको ये सब देखने को मिलता है तो लड़की आपको पसंद नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो यार वीडियो पूरा देखना ताकि आप अच्छी तरह समझ पाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी की टिप्स मिलती है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। भाई यार, एक होता है पसंद करना और एक होता है हद से ज़्यादा पसंद करना। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर लड़की ये सब आपके लिए करती है जो मैं आपको अभी बताऊँगा, तो भाई लड़की आपको हद से ज़्यादा पसंद करती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को तीन ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर लड़की आपके लिए करती है या फिर आपको उसमें ये सब देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि लड़की चाहती है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड जल्द से जल्द बन जाए। तो चलो यार, अब हम सीधा हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं। पॉइंट नंबर वन, आपकी आंखों में देखकर स्माइल करना। अगर भाई आप ये देखते हो कि कोई लड़की आपकी आंखों में देखकर स्माइल कर रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो यार, नॉर्मली अगर कोई लड़की किसी को पसंद करती है और उसकी आंखों में देखती है ना, तो उस समय वो अपने इमोशंस पे ज़्यादातर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, यानी कि अपने स्माइल पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन यार यहाँ पर अगर लड़की की स्माइल निकल जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि लड़की भाई आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। और साथ ही साथ इसकी एक और वजह भी होती है, अगर लड़की आपकी आंखों में देखकर स्माइल करती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है ये जताने में कि लड़की आपको पसंद कर रही है। और नॉर्मली ऐसा वही लड़कियाँ करती हैं जो भाई आपको पूरे दिल के साथ पसंद कर रही होती हैं, जिनके लिए भाई आप एक आइडल की तरह होते हो। पॉइंट नंबर टू, लड़की में थोड़ा बहुत डिसिप्लिन आ जाना। देखो यार, आप देखोगे कि वही लड़की जो पहले काफ़ी ज़्यादा मस्तियाँ किया करती थी, काफ़ी ज़्यादा ऊट पटांग हरकतें किया करती थी, उसमें अब काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाता है। वो लड़की अपने आप को बाकी लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा स्पेशल दिखाने की कोशिश करती है, साथ ही साथ अपने आप को हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश करती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो यार, डिसिप्लिन आने की वजह ये होती है कि वो अपने आप को बाकी लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा अलग धलग और स्पेशल दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर उसको अच्छी तरह पता होता है कि आपका ध्यान अपनी तरफ किस तरह खींचना है या फिर बाकी लड़कियों से किस तरह ज़्यादा स्पेशल बनना है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो भाई हर दिन एक नया बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करती हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो किसी एक बंदे को, किसी एक लड़के को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेती हैं। पॉइंट नंबर थ्री, वेट करना। अगर लड़की आपका इंतज़ार करती है, आपके लिए वेट करती है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि भाई लड़की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। अब ये वेट करना किसी भी तरह का हो सकता है, हो सकता है कि आप उससे जहाँ पर मिलते थे या फिर आप उसको जहाँ पर नोटिस करते थे, या फिर हो सकता है कि आप दोनों की जहाँ पर बात होती थी, किसी भी तरीके का हो सकता है। लेकिन अगर लड़की आपका वेट करती है तो इसका मतलब ये है भाई कि लड़की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि लड़की अगर आपका वेट करती है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। देखो यार, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, मतलब कि नॉर्मली लड़कियां ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि वो किसी का इंतज़ार करें, किसी का वेट करें। अगर वो किसी को थोड़ा बहुत पसंद भी कर रही होती हैं ना, तो भी वहाँ पर ये नहीं दिखाती हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ या फिर तुम्हारे लिए वेट करती हूँ, क्योंकि उनको ऐसा करने से ये लगता है कि सामने वाले बंदे को ये लगेगा, सामने वाले लड़के को ये लगेगा कि मुझे इसकी नीड ज़्यादा है, मुझे इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। लेकिन भाई, अगर लड़की आपका इंतज़ार करती है, आपके लिए वेट करती है, तो यहाँ पर लड़की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही होती है, इसीलिए भाई ऐसा करती है। तो यार बस यही था इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बाद में कुछ और नई दमदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए।